नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां दुर्ग में बिना हेलमेट ड्राइविंग पर कार्रवाई होगी। बिना हेलमेट ड्राइविंग पर भारी जुर्माना देना होगा। अधिकारियों और लोगों सभी पर यह नियम लागू है। एसपी जितेंद्र शुक्ला का बयान सामने आया है, सख्ती से बचती है जान तो हम बुरे सही। दुर्ग जिले में हेलमेट पहनना अनिवार्य, इस वक्त की बड़ी खबर। जहां दुर्ग में बिना हेलमेट ड्राइविंग करने पर कार्रवाई होगी, अधिकारियों से लेकर आम जनता तक सब पर ये नियम लागू होगा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सख्ती से जान बचती है तो हम बुरे ही सही हैं। एसपी जितेंद्र शुक्ला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुर्ग जिले में हेलमेट पहनना अब अनिवार्य है, सख्ती से अगर जान बचती है तो हम बुरे ही सही हैं। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बिना हेलमेट ड्राइविंग पर अब भारी जुर्माना देना होगा। अधिकारियों से लेकर आम जनता तक सब पर ये निर्देश लागू होंगे। एसपी जितेंद्र शुक्ला का बयान सामने आया है। दुर्ग में बिना हेलमेट ड्राइविंग को लेकर अब पुलिस प्रशासन सख्त है। बिना हेलमेट ड्राइविंग पर अब भारी जुर्माना देना होगा। अधिकारी हो या आम जनता, सभी पर यह नियम लागू होगा। एसपी ने का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सख्ती से जान बचती है तो हम बुरे ही सही हैं। बीजापुर में बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें कि गंगालूर थाना क्षेत्र के पीडिया के जंगलों में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। नक्सलियों के बड़े लीडर की मौजूदगी सूचना दोनों तरफ से थी और रुक रुक कर फायरिंग जारी है। भिलाई सेक्टर एक स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने सेंट्रल एवेन्यू में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी से वापस हॉस्टल जा रही सीआईएसएफ की दो महिला आरक्षकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद गाड़ी चला रहे युवक घायल महिलाओं को दुर्घटना स्थल पर छोड़कर फरार हो गए। वहीं दुर्घटनाग्रस्त हुई कार के पीछे एक और कार आकर भिड़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सेक्टर 9 में अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं गाड़ी चालक फरार युवक को रायपुर से भट्टी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रात में लगभग 8 बजे के आसपास सेक्टर 19 बीआई के सामने सीआईएसएफ सेक्टर 3 की दो महिला आरक्षक, जिनका नाम कसक जायसवाल और भाग्य कलिता है, ये दोनों स्कूटी से आ रहे थे। तो सामने से बहुत ही तेज गति और लापरवाही पूर्वक लहराकर गाड़ी चलाते हुए स्कोडा वाहन है, स्कोडा वाहन का चालक जो है वो उनको जोरदार टक्कर मार दिया है, जिसमें वो दोनों लड़कियां जो हैं बुरी तरह घायल हो गई हैं। लड़कियों को इलाज के लिए सेक्टर 9 भेजा गया था, वहां से उनको हायर सेंटर रेफर किया गया रायपुर, और वर्तमान में एक जो लड़की है वो बेहोश है, एक की स्थिति तो ठीक है, खतरे से बाहर है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। सत्ता में जीत की टोपी हासिल करने के लिए हर पार्टी अपनी दावेदारी कर रही है। तो वहीं दुर्ग में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के जिला सचिव को फोन पर धमकियां मिल रही हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में पार्टियों के बीच जीत और हार की जंग जारी है। पार्टियां एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने में लगी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से सत्ता में जीत की टोपी हासिल करने में लगी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के खत्म होने के ठीक दो दिन बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर सनसनीखेज खुलासा किया है। आम आदमी पार्टी के दुर्ग जिला सचिव संजीत विश्वकर्मा ने खुलासा किया
कि उन्हें अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर बीजेपी में प्रवेश करने के लिए दबाव बनाया गया और ऐसा ना करने पर अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए अपहरण कर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पूरे मामले में पुलिस ने नेवाई थाने में FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए और आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए डराया धमकाया जा रहा है, अपहरण कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत मैंने थाना नेवई में की है। 7 तारीख की घटना है। 7 तारीख को शाम 7:20 से लगभग 8:05 तक मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से धमकी दी गई, कॉल के माध्यम से मुझे धमकी दी गई। और इस मामले से सबसे बड़ा मामला यह निकल कर आता है कि जैसा बीजेपी आज तक इन आरोपों से बचती आती है कि हमारे कोई नेता किसी भी अन्य पार्टी के नेता को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, हम अपने पार्टी में प्रवेश करने की बात नहीं करते हैं, तो आज मेरे पास प्रूफ है कि बीजेपी के नेता इसी तरह की गतिविधियां करके देश के कई राज्यों में कई नेताओं को, उन्होंने जनप्रतिनिधियों को तोड़कर वहां की सरकारें गिरा दी, वहां के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अभी सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी जी ने कहा है कि आप निश्चित रहें, इस पर कार्रवाई हम जल्द से जल्द करेंगे और कार्रवाई निश्चित मुझे नेवई थाना से काफी उम्मीद है क्योंकि उन्होंने तत्काल FIR दर्ज किया, तो मुझे लग रहा है कि उस पर कार्रवाई बहुत जल्द होगी। आम आदमी पार्टी दुर्ग जिले के जो जिला सचिव हैं और पूर्व अभी प्रत्याशी भी विधानसभा के रहे हैं, चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो उनको भाजपा प्रवेश करने के लिए पहले कहा गया और जब इन्होंने कहा कि नहीं हमने तो अभी इंडिया अलायंस में हम काम कर रहे हैं, तो उनको धमकी दी गई और बहुत ही वल्गर जो थे वो गाली गलौज भी की गई व्हाट्सएप पे, और जिसकी शिकायत इन्होंने बताया कि नेवई थाने में दिया है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी प्रदेश शासन से, क्योंकि उनकी सरकार है, उम्मीद करती है कि सारे तंत्र मंत्र तो सब मालूम है उनके पास में है, है ना, विधानसभा और जिले और राज्य से लेकर केंद्र तक सारे ACB और सारे जो CBI है और पूरे प्रशासन है उनके हाथ में है, उनको बहुत तेज गति से इस पूरे चीजों को पे प्रतिक्रिया देनी चाहिए है कि कौन उनका कार्यकर्ता है, कौन इनको धमकी दे रहा है, नहीं तो आम आदमी पार्टी और जनता ये मानेगी कि उनकी उसमें शामिल है, उनकी सहभागिता है, उसमें उनकी सहमति है। आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि जो राज्य की कम से कम जो केंद्र नेतृत्व जो उनकी देख रही है वो इस पे प्रतिक्रिया जरूर दे, नहीं देने पर मैं रिपीट कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी फिर ये मौन उनका स्वीकृति मानेगी, मौन सहमति मानेगी कि उनके सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेतृत्व में ये काम हो रहे हैं और ये हो रहे हैं तो पूरा देश देख रहा है। तो आपने देखा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के जिला सचिव संजीत विश्वकर्मा को फोन पर बीजेपी में शामिल होने की धमकियां मिल रही है। अब आखिर में देखना ये है कि इस पर पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। हाई स्कूल परीक्षा में 75.61% और हायर सेकेंडरी परीक्षा में 80.74% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं इसी को लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष रेणु पिल्ले ने समस्त सफल परीक्षार्थियों को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। हायर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम के परिणाम हैं, उसके कुछ मुख्य आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। पहले हाई स्कूल में चलते हैं। वर्ष 2024 के हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में कुछ 3,40,220 का सम्मिलित हुए थे और इनमें से 3,39,994 के परिणाम घोषित किए गए। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 75.61% है, जो कि 10 वर्ष की तुलना में 0.56% अधिक है। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी गर्ल्स का पास परसेंटेज बॉयज की तुलना में अधिक है। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 79.35 है और बालकों का प्रतिशत 71.12 है। एक और एनालिसिस ये है कि कितने छात्र प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं छात्रों का प्रतिशत 34.56% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 1.26% अधिक है। द्वितीय श्रेणी में 36.29% उत्तीर्ण हुए हैं,
और तृतीय श्रेणी में 4.75%। दो परीक्षार्थी ऐसे हैं जो पास श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। हाईस्कूल के कुल 19,012 परीक्षार्थी पूरक परीक्षा के लिए पात्र हुए हैं और टोटल 226 परीक्षार्थियों के जो परिणाम है हम विभिन्न साधनों से रोके हैं। इसमें से 15 नकल के प्रकरण हैं, 6 जांच के कारण रोके गए हैं और जो शेष 205 है वो ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनके पात्रता के अभाव के कारण आवेदन निरस्त हुए हैं। अब हम चलते हैं हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम में। हायर सेकेंडरी एग्जाम में कुल 2,58,704 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे और इनमें से 2,58,575 के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। हायर सेकेंडरी में जो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है वो 80.74% है जो कि गत वर्ष की तुलना में 0.78% अधिक है। यहाँ भी सेम एनालिसिस प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में पास हुए छात्रों का अगर हम करें तो ये परिलक्षित होता है कि जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं हायर सेकेंडरी को उनका प्रतिशत 24.07% है जो कि गत वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। द्वितीय श्रेणी में 42.22% उत्तीर्ण हुए हैं और तृतीय श्रेणी में 4.45%। पांच परीक्षार्थी ऐसे हैं जो पास श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और हायर सेकेंडरी के कुल 22,232 परीक्षार्थी पूरक के लिए पात्रता रखते हैं। हायर सेकेंडरी में 129 परीक्षार्थियों के जो परिणाम है वो रोके गए हैं। इसमें से 31 नकल के प्रकरण हैं, 6 जांच में हैं और शेष 96 जो है वो ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनके पात्रता के अभाव में आवेदन निरस्त हो गए हैं। एंड जो विभाग के आदेश अनुसार इस वर्ष की शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बोनस अंक दिए गए हैं। इस तरह के जो बोनस अंक प्राप्त करने वाले हाईस्कूल के छात्र 1108 है और हायर सेकेंडरी के 1131। ये परिणाम हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर अटेंशन। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पहला भगवान जगन्नाथ मंदिर बनाया गया। पुरी के तर्ज पर दंतेवाड़ा में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर ओडिशा के कारीगरों ने वर्ष भर की मेहनत के बाद निर्माण किया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिला में भूमि के तर्ज पर भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनाया गया है। बता दें कि ओडिशा के कारीगरों ने वर्ष भर की कड़ी मेहनत के बाद NMDC के पूर्ण सहयोग से मंदिर का निर्माण किया है। ओडिशा के शाबरशी क्षेत्र के कोरापूंज के जगन्नाथ मंदिर परिसर में बने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन जी की दिव्य प्रतिमा को छत्तीसगढ़ लाया गया है। 7 अप्रैल से भगवान जगन्नाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य शुरू किया गया है जो 12 अप्रैल तक चलेगा। यह मंदिर पूरे बस्तर में भगवान जगन्नाथ का सबसे भव्य मंदिर है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बस्तर के राज परिवार को भी आमंत्रित किया गया है। 7 अप्रैल की सुबह से ही पूजा पाठ के साथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ कर लिया गया है। श्री जगन्नाथ मंदिर में 3 कलश स्तंभ बनाए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह के शिखर की ऊंचाई 7 फीट है, दूसरा शिखर 33 फीट और तीसरा 27 फीट है। यह मंदिर देखने में काफी भव्य और बेहद ही खूबसूरत है। किरंदुल के इस वक्त राघव मंदिर में हम खड़े हैं और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे जगन्नाथ जो पुरी है उसकी तर्ज पर यहाँ पर किरंदुल जगन्नाथ सेवा समिति के द्वारा ताकि कोई भूल ना हो जाए। बात यह है कि ये 1987 पहली बार मेरा अपॉइंटमेंट NMDC के स्कूल में हुआ था। मैं आया था उसी समय में आया और मेरे बड़े भाई साहब भी यहाँ थे। उनका और मेरे बीच में 20 दिन की ही ये रहा। मैं आया और मैं चल तो उनको एक गिफ्ट देने के लिए भगवान जगन्नाथ जी की एक मूर्ति मैंने बनाया पेंसिल में सॉरी कलर में और उनको मैंने गिफ्ट दिया। वो चले गए। उसी फोटो को मैं अपना स्कूल में पहली बार दिखाया। DK शर्मा जी थे, वो बोले कि किन का फोटो है। मैंने कहा ये फोटो को आप नहीं जानते।
उसके बाद मैंने बाकी सबको दिखाया, कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि ये भगवान जगन्नाथ जी के। अब मुझे बड़ा दुख लगा, मैंने कहा इसका मतलब हिंदू धर्म का कल्टीवेशन के बारे में, मैंने हिंदू धर्म के बारे में कल्टीवेशन लोगों का थोड़ा सा शायद कमी हो। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर होना जरूरी है। उसी दिन 87 में ये संकल्प लिया गया था, ठीक है। उसके बाद मैं रेलवे में रहता था, आप लोगों को पता है जब रेलवे का दुर्गा जो ये बनता था, पेंडल बनता था, उसका डेकोरेशन मैं करता था, कई बार किया। तो उसके बाद रेलवे के जो ये है DRM ऑफिस से जो लोग आया करते थे, उनसे ये परामर्श लेके भगवान गणेश जी के मंदिर के पास अभी जो अयप्पा भगवान का जगह है, वो मंदिर को पहले हम भगवान जगन्नाथ जी का ये करने के लिए लिए थे। बाद में आया कि दूर हो जाएगा, रथ यात्रा में जब लोग नहीं आएंगे, यात्रा में लोगों का मैंने भक्तों का तो ये होना चाहिए, दूर हो जाएगा वो ठीक नहीं होगा। उसके बाद हमने ये कहा कि इसी परिवेश को लेने का हमने संकल्प लिया, और कुछ लोग सुझाव दिए कि यहाँ क्यों कर रहे हो, वहां माता जी का मंदिर दंतेवाड़ा में है तो वहां भी करो, मातृशक्ति है, पितृशक्ति होगा तो अच्छा होगा, वो एक दर्शनीय स्थान होगा। तो वहां का महापात्र परिवार जो है उनके साथ कॉन्टेक्ट किया गया, कॉन्टेक्ट करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है। तो मीटिंग हुई, तो चार बच्चे भी मीटिंग हुआ और किरणडुल में भी मीटिंग, लेकिन मीटिंग तो होता रहा। उस समय यहाँ नंदा साहब थे जो डायरेक्टर बन के रिटायर कर गए, नंदा साहब थे, गोकुल पटनायक जी थे और मैं था, हम तीनों मिलके कई बार मीटिंग की, लेकिन भगवान यहाँ आना नहीं था उनको, इसीलिए वो मंदिर नहीं बना। समझ में आया, आपने जो कहा ना कि हम लाए थे, कोई किसी के बस की बात नहीं है उनको लाए, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद हमने प्रयास किया कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो कौन से अपना ये जो मंदिर है हनुमान जी के, उधर खाली था मंदिर, माने भगवान गणेश नहीं थे, वो जगह खाली था, तो हमने उस जगह को लेने के लिए प्रयास किया। तब भी मैं मंदिर का, ये राघव मंदिर का कमिटी में मैंने था, तो आशीष के साथ बातचीत हुई, वो भी बहुत अच्छा सुझाव दिए, बोले कि पहले भगवान जगन्नाथ जी का महिमा के बारे में लोगों को बताओ, लोग खुद चाहेंगे। तो उसके बाद हमने प्रयास ही किया। उसके बाद 2006 में पहली बार छोटी मूर्ति जो मेरे घर में है जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, उनको लेके उत्कल समाज में रख के पूजा किया। उसी समय में हमको लगा कि हाँ वर्तमान माहौल ठीक है और भगवान जगन्नाथ जी आने का समय हो गया। इतने भारी मात्रा में लोग आए हाँ, और उस समय में हमको ये मिला थोड़ा सा कि हम आश्वस्त हुए कि यहाँ जरूर होगा, और वही बात सही निकला। 2008 में रथ सर वगैरह आए, पटनायक जी आए, उसके बाद 2008 में ये मंदिर हुआ। अब वो नहीं, ये जगह मिला, ये जगह उस समय में एक छोटा सा रूम था, स्टोर हाउस टाइप का, वो जगह मिला और भगवान वहां बैठे। 2007 से ये हुई यात्रा, अभी तक चलता रहा। उसके बाद हमने प्रयास किया, हम लोगों ने पूरा उत्कल समाज और पूरा नगरवासी जितने थे ये सभी लोग सोचे कि उनका एक अलग से सेपरेट मंदिर हो, और वो मंदिर बाद में वो रूप लिया जो आपके सामने आज है। और उसमें NMDC प्रबंधन को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनका भी बहुत योगदान है जो मंदिर आज अपना लाइफ में आया है, रूप लिया है। और उसके बाद मैं सभी को धन्यवाद दूंगा, उत्कल समाज खाली नहीं, ये पूरे अंचल में नगरवासियों का ही पूरा योगदान है। उन्होंने बहुत अपना जो आस्था दिखाया है, आप देखे होंगे रथ यात्रा के समय पर लोगों का जो भीड़ आता है, झुंड आता है, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अंत में उत्कल समाज के जो मेरे उड़िया भाई हैं उनको धन्यवाद देता है, उन्होंने अपना अथक परिश्रम करके ये मंदिर का अभी ये रूप दिए हैं। और सबसे ये है, ये कहूँ कितना भी अथक परिश्रम हो, भगवान जगन्नाथ जब आने के थे तभी आए। 2008 के बाद हमने तो बहुत प्रयास किया, 7-8 के बाद ये नया मंदिर नहीं हुआ, लेकिन अभी होने का था, अभी होने का था, तो और भगवान अभी आए। और इतना कह के मैं अपना वाणी को विराम देता। एक चीज और सर, मैं जानता हूँ कि आप और हम आपके घर में बैठ करके हम जब पहली बार जो रथ यात्रा के लिए तैयारी किए थे, तो मैं जानता हूँ, मेरे को जो अच्छे से याद है कि मैं आपके घर में बैठ करके एक फोटो लेकर के हमने उस रथ का निर्माण किया था, रथ ऐसे बनाना है ऐसा बनाना करके, और तो उस रथ के बारे में बताएंगे सर कि वो जो रथ यात्रा का जो विचार था आपके मन में, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। नहीं, बात यह है कि आपने सही कहा कि आप आए थे पहले जब रथ यात्रा शुरू हुई, आपने वो रथ बनाया था, बनवाया था,
आप उसमें बहुत अपना योगदान दिए थे, मंदिर रथ को सुंदर बनाने के लिए जो आप अपना जो परिश्रम आपने दिए थे वो अभी भी फोटोग्राफी को बताएगा, वो साइलेंट है लेकिन बताएगा कि और आप मंदिर के ऊपर रथ के ऊपर खड़े होकर भी रथ में गए थे, ये सब है। लेकिन रथ यात्रा क्या है कि जब भी भगवान चाहे कहीं भी हो, जगन्नाथ भगवान का मंदिर जहाँ होगा रथ यात्रा वही, ठीक है। और रथ यात्रा होने के पीछे जो लोगों का जो झुंड पड़ा है, आशीष सिंह, ए के सिंह को भी मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने क्या किया था, ये लोगों का भक्तों को बुलाने का जो तरीका, जो मेरे को वो लेके गए थे, ओडिया कैंप में लेके गए थे, छत्तीसगढ़ कैंप में लेके गए थे और बंगाली कैंप को लेके गए थे, और उन लोगों को जाके हमने मीटिंग करके उनको भी बोला कि भगवान का ये हो रहा है, हम सब तो भक्त हैं, वो तो जगत के नाथ है और हम तो निमित्त मात्र है, लेकिन उनका सेवा में हम जाएंगे, योगदान देंगे, और वो भारी मात्रा में वो लोग भी आए और इसमें शामिल होंगे, इस मंदिर के बारे में पूरा टोटल जानकारी देंगे। जय जगन्नाथ। ये जो मंदिर का कार्यक्रम जो चल रहा है अभी, ये 6 दिन का कार्यक्रम है। ये मंदिर हम लोग बहुत मेहनत से 13 साल संघर्ष करके मंदिर हम लोग उड़िया समाज पूरा किरंदुल नगरवासी के मतलब प्रयास से ये मंदिर हमारा बन चुका है। अभी 10 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। ये मंदिर जो है हमारा NMDC प्रशासन के थ्रू से यहाँ मंदिर बना है और उसका जो मेन मंदिर जो निर्माता जो है वो उड़ीसा से आए थे, जो हम लोग उनको विश्वकर्मा बोलते हैं, और लगभग हमको 8 से 10 महीना लग गया ये मंदिर को पूरा कंप्लीट करने में। अभी ये मई महीना में 7 तारीख से लेके 12 तारीख तक ये कार्यक्रम है, और ये 7 तारीख का जो कार्यक्रम है वो हमारा जो कल चला गया कार्यक्रम वो था सुबह हमारा बनजाक पूजा था। बनजाक बोलने से हम लोग उसको एक जंगल में सहाड़ा पेड़ ढूंढते हैं, जो पेड़ का वहाँ नीचे से हम लोग पूजा हवन करते हैं और उसका डायनी लेके मंदिर का जो निर्माता जो विश्वकर्मा है उन्हीं का हाथ में एक बंद कमरे में वो 2 टुकड़ा लकड़ी जो लेके आते हैं वहाँ पेड़ से काट के लेके आते हैं, उसी को लेके इंद्र और इंद्राणी दोनों भगवान का मूर्ति बनता है और वो मूर्ति को हवन में पूजा करते हैं, और ऊपर में जो जगन्नाथ मंदिर, लक्ष्मी माता मंदिर और बिमला मंदिर का जो ऊपर में गुंबज है वो गुंबज के अंदर उसको रखा जाता है। और ये जगन्नाथ संस्कृति में ये जो मंदिर बनता है 100 साल मिनिमम 100 साल के लिए बनता है, उसके बाद 1000 साल भी रहता है, 200 साल भी रहता है, बट 100 साल पहले हम लोग उसको नहीं तोड़ते, ना ही कौन किसी भी परिस्थिति में वो टूटता है। और ये जो किरंदुल में सौभाग्य की बात है, जो मंदिर बना है ये मंदिर का जो ऊंचाई है अभी 60 से 65 फीट का है, और बस्तर जिला में, बस्तर क्षेत्र में और दंतेवाड़ा जिला में ये सबसे बड़ा मंदिर है, और यहाँ पे रथ यात्रा बहुत भीड़ में होता है, बहुत पब्लिक आते हैं, बहुत जनसमागम होता है, और हमारा यहाँ का जो राजा जो है, हमारा किरंदुल के जो नगर के मुखिया हैं, NMDC के मुखिया हैं, वो हमारा राजा के हिसाब से काम करते हैं। तो 7 तारीख का जो सुबह का बनजार हो गया उनके द्वारा हो गया है, 8 तारीख जो आज का कार्यक्रम जो सुबह कलश यात्रा निकला, 108 कलश यात्रा निकला, बहुत लोग शामिल हुए थे उसमें, हजारों की संख्या में कलश यात्रा हुआ है। अभी शाम को अंकुरार्पण होगा, अंकुरार्पण बोलने से सब धन्य धान गेहूँ सस्य जो है उसको हम लोग यहाँ पे बुनेंगे, वो पेड़ निकलेगा यज्ञ मंडप जो होता है उसमें होगा। कल 9 तारीख यज्ञ स्टार्ट होगा और 24 फरवरी स्टार्ट होगा। 24 फरवरी राम नाम जो नाम लेते हैं हम लोग, हरे कृष्ण हरे नाम और राम राम हरे हरे जो बोलते हैं, वो कंटिन्यूस वो 3 दिन चलेगा, 24 फरवरी 8 फरवरी का एक होता है, 3 दिन तक चलेगा, और कल यज्ञ भी स्टार्ट हो जाएगा, महायज्ञ यहाँ पे होगा। 9 तारीख का कार्यक्रम ही रहेगा, 10 तारीख को भंडारा रहेगा, महाभंडारा रहेगा, और सबसे बड़ा दिन है 10 तारीख अक्षय तृतीया होता है, जो कि यहाँ पे भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होगा। और मध्यरात्रि में दुख की विषय है, जो कि हमारा जो भगवान अभी है जगन्नाथ बलभद्र जी, सुभद्रा माई और सुदर्शन महाराज, वो देह त्याग करेंगे, उनका ब्रह्म परिवर्तन होगा, उनका नाभि में एक ब्रह्म रहता है, वो ब्रह्म निकलेगा नया भगवान के नाभि में उनको रखेंगे उनको। और पूरी से 10 लोगों का पंडित आए हैं, बहुत विद्वान पंडित हैं, वो मध्यरात्रि में होगा, और संस्था के जो कार्यकर्ता हैं वो सब उपस्थित रहेंगे, और मेन कर्ता और मेन पंडित जो जीवन्यास देंगे भगवान को उन्हीं की उपस्थिति में होगा। आंख में पट्टी बांधा जाएगा, पूरा नगर अंधेरा रहेगा, मशाल लेके। हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ।
नमस्कार।